द्रौपदी, जिसको अभिमान था कि मेरे पांच पांच धुरंधर पति देव हैं, एक से एक धनुर्धर, गदाधर, विद्याधर, ना जाने कितने बलवान निपुण उसके पति थे, बड़ा अभिमान था। लेकिन कहते समय पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्हीं पांचों पतियों ने भरी सभा में अपनी उसी धर्म पत्नी को, जिसे अपने पांचों पति पर अभिमान था, जुए में दाव पे लगा दिया। और भरी सभा में अपने ही उसका चीरहरण कर रहे थे। दुशासन कोई गैर नहीं था, ध्यान देना। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अरे गैर क्यों लूटेंगे, वो तो तुम्हें जानते ही नहीं। प्यारे लूटने वाले भी तुम्हारे अपने ही होते हैं, ध्यान देना। जिस पर जितना विश्वास करोगे प्यारे, उतना धोखा खाओगे। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर तो तुम्हारे पास समय भी नहीं है। अब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़े, खींच के दरबार में लाए, और जैसे ही उसकी साड़ी खींचने लगे, द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जिन पर अभिमान था उसने दांव पे लगा दिया, जुए में हार गए। और जिन पर विश्वास था कि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे संभाल लेंगे, आज वो सब के सब, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सब के सब तमाशा देख रहे हैं। तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी, कोई गैर नहीं होता, ध्यान देना। तब द्रौपदी को याद आया कि मैंने किनसे रिश्ता जोड़ा, पुकार रही है सिवाय तमाशा देखने के कोई नहीं आ रहा। और कहते जब कोई नहीं आता तो मेरा ठाकुर आता है, तुम उसे रिश्ता तो बनाओ। तब द्रौपदी को याद आया कि मैंने एक रिश्ता गोविंद से भी बनाया था। कब? जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली पर चीर लग गया था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के मेरे ठाकुर को, उसे कहते हैं रक्षा सूत्र, तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार की परंपरा चलती आई है। और उस समय कन्हैया ने कहा था कि द्रौपदी मैं कभी सुख में आऊं या ना आऊं, लेकिन तू मुझे जब भी याद करेगी, चाहे दुख में याद करे, मैं सारे काम छोड़कर तेरे पास आऊंगा। जब कोई बुलाने पे नहीं आया, सब तमाशा देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, तब हाथ जोड़कर गोविंद से कहती है, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। भाव से बोलेंगे सभी, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोविंद गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद चले आओ। कि प्यारे गोविंद को पुकार रही है,
लेकिन प्यारे गोविंद भी देखते हैं कि किस भाव से पुकार रहे हैं। उस समय गोविंद आए नहीं, ध्यान देना। अब द्रौपदी ने देखा कि मैं गोविंद को पुकार तो रही हूं लेकिन कन्हैया आ नहीं रहे। मन में सोचने लगी कि मेरे गोविंद में कोई कमी नहीं है, हो सकता है मेरी पुकार में कमी हो। देखो भगवान तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी पुकार में वो शक्ति तो हो। अगर तुम्हारी पुकार में शक्ति होगी तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए जरूर आएगा और कहेगा कि बता तेरी क्या रजा है, क्या इच्छा है। वो पुकार में शक्ति तो बनाओ, विश्वास तो बनाओ। अब द्रौपदी ने देखा कि हो सकता है मेरी पुकार में, मेरे विश्वास में कमी हो। तभी कमी दिख गई। कहते हैं जो अपनी कमियां देख लेता है ना प्यारे, वो कभी दुखी नहीं रहता। इंसान दुखी क्यों है कि हमेशा वो दूसरों में कमियां निकालता है। क्या देखा कि एक हाथ से तो गोविंद को पुकार रही है, दूसरे हाथ से साड़ी पकड़ रखी है, अर्थात अपनी लाज खुद बचा रही है। प्यारे जब तुम अपने घर की गाड़ी खुद चलाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अगर सुखी रहना है ना तो प्यारे अपने घर की गाड़ी मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप देना कि हे ठाकुर अब मेरा परिवार तेरे भरोसे, जो हो रहा है वो तेरी ही रजा से हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। अब द्रौपदी ने देखा तभी दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे गोविंद मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, एक बार आ जाओ। सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि कौन तुझे बचाने आएगा, क्योंकि तेरे अपने तो सारे यहां बैठे हैं, बुला जिसको तू अपना बनाती है। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे द्रौपदी ने बुलाया वैसे एक बार आप भी पुकार के देख लेना और यही कहना, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आना।